नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के लिए ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस देश के गांव, गरीब, आम आदमी, किसान, नौजवान को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि बस पूछिए नहीं। राहुल ने कहा कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को कानूनी गारंटी, जाति आधारित जनगणना, अग्निवीर और पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बजट में कोई चर्चा है नहीं। यहां तक कि बजट से पहले हलवा सेरेमनी को भी राहुल गांधी ने टारगेट किया और कहा कि जो बजट बनाने वाले हैं, क्या इसमें कोई दलित, OBC और आदिवासी है क्या। संसद में राहुल गांधी के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माथा पकड़ लिया। तब राहुल ने कहा कि आप हंसिए नहीं, ये सच है, यह मुद्दे हैं और इंडिया गठबंधन MSP और जातीय जनगणना इस सदन में पास कराकर रहेगा। प्रधानमंत्री से लेकर अंबानी अडानी तक के 6 किरदारों को उनकी तुलना महाभारत के किरदारों से करते हुए चक्रव्यूह में जिन किरदारों ने अभिमन्यु को घेर कर मार डाला था उनसे तुलना कर दी। इसके बाद संसद में हंगामा हो गया। देश में इसी के साथ एक नई बहस को भी राहुल गांधी ने जन्म दिया और वो बहस ये है कि क्या जो हिंदुत्व का तेज धार वाला हथियार है भारतीय जनता पार्टी का, वो सामाजिक न्याय और मंडल वाली राजनीति से क्या उसको कुंद करने की राहुल गांधी की योजना है। इसीलिए जाति जनगणना पर वो फोकस कर रहे हैं, वो हलवा सेरेमनी की बात कर रहे हैं। हालांकि सच ये है कि हलवा सेरेमनी में एक या OBC और एक अल्पसंख्यक शामिल था। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो गया। नए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बनाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी PDA के ए में अगड़ों को भी शामिल किया है। हालांकि मैंने कई बार सुना कि अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं, जब उनसे PDA के ए के बारे में पूछा गया तो वो कहते रहे हैं कि PDA के ए का मतलब, जब उनसे पूछा गया कि इसका मतलब क्या अल्पसंख्यक है, तो वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक के साथ अगड़ा और आधी आबादी यानी महिलाएं भी हैं। और इस पर हमने बाकायदे के न्यूज़ पर एक डिबेट भी की थी कि अखिलेश के PDA में जो ए है उसमें अगड़ा है। और आज उसी के अनुरूप नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बना दिया गया। बहुत सारे कयास थे कि चाचा शिवपाल बनेंगे, जो लोग बार बार आज जो शिवपाल के ना बनने पर आंसू बहा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उसमें ज़्यादा हैं, वो कह रहे हैं कि भाई चाचा के साथ अन्याय हुआ, कल बनाते तो कहते ये तो घोषित है परिवारवादी पार्टी है। लेकिन अखिलेश अपने राजनीतिक एजेंडे पर स्पष्ट हैं और उसी पर वो चल निकले हैं। तो राहुल और अखिलेश मिलकर उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को एक नए रास्ते पर ले जा रहे हैं क्या। और विधायक समाजवादी पार्टी के RK वर्मा ने तो सरकार को सदन में इस कदर घेरा कि पूछिए नहीं। RK वर्मा ने कहा कि अगर दुल्हन दूल्हे को फेरे डालती है उस वक्त बिजली गुल हो जाती है, किसान सिंचाई करने जाता है उस समय बिजली गुल हो जाती है, बच्चे पढ़ाई के लिए किताब उठाते हैं उस समय बिजली गुल हो जाती है। और RK वर्मा के इस अंदाज से सरकार थोड़ा मुश्किल में आई। बिजली मंत्री को कहना पड़ा सदन के बाहर निकलकर कि अखिलेश यादव की सरकार में बिजली की बड़ी हालत ख़राब थी। हालांकि शुरुआती 1.5 साल छोड़ दीजिए तो बाकी 3.5 साल मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव की सरकार में बिजली खराब थी। कानून व्यवस्था, बिजली, दवा इलाज, आवारा पशु, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी और विपक्ष, जो इंडिया वाले गठबंधन है, उसके सदस्य तख्तियां लेकर वेल में उतर आए और तख्तियां लहराई। UP विधानसभा में भी विपक्ष ने उत्तर प्रदेश की सरकार को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं। तो कुल मिलाकर मंथन में आज जो संसद यानी लोकसभा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा दोनों जगह के चक्रव्यूह को जरा समझेंगे।
उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जरा नजारा दिखा दीजिए कि आज किस तरीके से विपक्ष के तेवर सरकार पर हमलावर थे। आज किसान बेहाल है, उसकी फसल सिंचाई के अभाव में सूख रही है। मानवर किसान जब अपना निजी पंपिंग सेट चला करके अपने खेत को रवाना होता है और खेत में नहीं पहुंचता, उससे पहले ही बिजली गुल हो जाती है। मानवर आज आलम तो यह है कि वैवाहिक कार्यक्रमों में वर और वधू का जोड़ा वरमाला डालने को तैयार, और पता चलता है कि बिजली गुल। महोदय बाराती भी जाकर के भोजन का निवाला लेकर के करने को तैयार, वो पता चलता है कि बिजली गुल। आज देश के कर्णधार नौनिहाल बच्चे जो छोटे छोटे अपने वजन से ज्यादा किताबों और कॉपियों का बोझ उठा करके घर पहुंचते हैं, सोचते हैं कि पंखे की एसी की कूलर की हवा मिलेगी, पहुंचते ही पता चलता है कि बिजली गुल। बिजली की समस्या के बारे में माननीय सदस्यों ने पूरी बात रख दी। मैं एक तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँ, गाँव में जहाँ जर्जर तार हैं उसको बदलने के लिए विभिन्न जिलों में कंपनियां हैं, उनको लंबी धनराशि दी गई है और वो तार बदलने का काम कर रहे हैं। अभी तक ये था कि जो मोटा तार लगा दिया जाएगा तो उससे थोड़ा सुविधा होगी, लेकिन आपका मोटा तार भी हमने खुद अपने आंख से देखा माननीय मंत्री जी, वो भी जल जा रहा है और जल के गिर जा रहा है। मेरा कहना है ये घटिया तार ला करके कंपनियां बड़ी धनराशि आपका अपहरण करना चाहती हैं। माननीय मंत्री जी आप सिद्धार्थनगर गए थे, मैंने कोशिश की कि आपसे मैं मिल लूं और ये समस्या आपके सामने रख लूं। रोज जो मोटा तार लगाते हैं नई कंपनी वाले जो आए हैं हमारे अपने जिले में भी, उनको 1,76,00,00,000 रुपया मिला है। 1,76,00,00,000 रुपया सरकार की तरफ से नए तार बदलकर नए खंभे लगाने का मिला है। लेकिन हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि आप कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, हम लोग एक सूची दे दीजिए। दिशा के बैठक में भी हमारे MP साहब ने निर्देश दिया, लेकिन आज तक नहीं पता चला वो कहाँ काम कर रहे, कैसे नहीं कर रहे, और कुछ काम किए तो वो जल गया। मेरा आपसे आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी बड़ी धनराशि जा रही है और उसका सही उपयोग होना चाहिए। ये बड़ी कंपनियां किसी तरह से ठेका पा गई होगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये आप इस पर विशेष ध्यान दें कि ये घटिया तार न लगावें और सही ढंग से खंभे खड़ा करावें। इसकी आप जांच करा लीजिए, बहुत बड़ी रकम इसमें घोटाले के रूप में चली जा रही है, यही मेरा आपसे अनुरोध है। महोदय बिजली जैसा कि कहा गया कि बिजली जो दी जाती है उसमें 2021-22 की मैं बात करूं तो उसमें 31% का ATNC लॉस जो बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल लॉस जो बोलते हैं, वो होता था। स्वाभाविक बात है 31 point something था, है मेरे पास एग्जैक्ट डाटा भी है, 31 से ऊपर था। इतना बड़ा लॉस के साथ किसी भी समस्या, किसी भी तंत्र को, सिस्टम को चला पाना बड़ा मुश्किल होता है। हर यूनिट जो राज्य में सप्लाई होती है उस यूनिट पे बिजली विभाग को, बिजली की व्यवस्था तंत्र को घाटा होता है हमारा। और ये भी आप लोगों का, ये भी सुन लीजिए, ये भी आप लोगों का एक इतिहास दिया हुआ, हमको तो लिगेसी में मिला है, हमको तो लिगेसी में मिला है 1,00,00,000 रुपए के घाटे में बिजली विभाग चल रहा है। बिजली पर तकरार है और आज पूरा विधानसभा उत्तर प्रदेश की बिजली पर ही झटके मारती रही। वही पुराना रोना कि आप ऐसा दे गए थे, आप विरासत में दे गए थे, भाई 7 साल सरकार चलाते उत्तर प्रदेश की भी हो गए, अब कब तक रोना रोते रहेंगे। देश में अब नेहरू का रोना बंद किया जाए, इसी तरह अखिलेश यादव का भी रोना बंद करिए। अब 7 साल का वक्त बहुत लंबा होता, आप सुधार लीजिए, सुधारना चाहिए था।
बड़ी महत्वपूर्ण बात नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि भाई अरबों के ठेके के जिले में हैं, पौने दो अरब का ठेका जिस जिले से वो आते हैं माता प्रसाद जी, वहाँ का हुआ तार गलगल कर गिर रहे हैं, ये कौन सी कंपनियाँ हैं, कहाँ है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष है वो जनता के हिंदू मुस्लिम या जो अन्य मुद्दे हैं, इन्होंने उनको ये कहा, इन्होंने इनका अपमान कर दिया, इससे हट के अब मुझे लगता है लोकसभा चुनाव से अब तक लगातार जो गति है विपक्ष की वो फोकस कर रहा आम आदमी के मुद्दे। बिजली के तार गिर जाते बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, पैसे लग रहे हैं सरकार के लेकिन आम आदमी को लाभ नहीं मिल रहा है, इस पर एक विजिलेंस की भूमिका, एक 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 निगरानी की भूमिका विपक्ष कर रहा है, इसके लिए विपक्ष वास्तव में बधाई का पात्र है। सत्ता पक्ष काम करे ये अच्छी बात है। राहुल गांधी ने किस तरीके से सरकार के लिए चक्रव्यूह रचा वो सुनिए। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और अंबानी, सॉरी A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। He is permitted to defend them, sir. Yes. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 and A2, sir. आपके happily, sir. अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूँ। फिर माननीय सदस्य, अगर आप चाहते हैं सर, प्लीज, मैं नहीं चाहता, सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर, अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूँ, नो नो सर, मैं तीन ही नाम करूँ। नहीं माननीय सदस्य, नहीं नहीं कहा, नो no. मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा कर ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चक्रव्यूह, जमीनी मुद्दों का चक्रव्यूह उत्तर प्रदेश विधानसभा में और दिल्ली में, जातिगत जड़गंडा, अग्निवीर, ये सब पूरा जो चक्रव्यूह है, राहुल गांधी ने किस तरीके से समझाया और ये भी बताया कि इसका दूसरा नाम पद्मव्यूह भी होता है, यानी लोटस फॉर्मेशन। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी निशान कमल पर भी उन्होंने आक्रमण किया बहुत तीखे अंदाज में, और ये सदन नेता प्रतिपक्ष जब भी लगातार ये बोल रहे हैं तो सरकार पर तीखे आक्रमण कर रहे हैं, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीच बीच में वो लोकसभा अध्यक्ष को भी इस बात का एहसास कराते हैं कि नहीं, अब विपक्ष 14 और 19 वाला नहीं है, ये विपक्ष बहुत ताकतवर है और इसमें नेता प्रतिपक्ष भी हैं, ये सारी बातें वो कराते हैं। लेकिन
ओवरऑल अगर देखें उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, तो क्या विपक्ष ये नैरेटिव बहुत तेजी से और जमीन पर उतारना चाहता है? पिछड़ों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई और मुद्दे, साथ साथ में मुद्दे, क्योंकि चुनाव में ये मुद्दे असर कारक रहे हैं। हमारे साथ आज मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, सैफोलॉजिस्ट आज हमने बुलाए हैं, कोई राजनीतिक दल का नुमाइंदा नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर एमएल वर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत प्रोफेसर वर्मा। प्रोफेसर वर्मा सैफोलॉजिस्ट भी हैं और समाज की टोह भी लेते रहते हैं कि अंदर अंदर क्या चल रहा है। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, तमाम राष्ट्रीय अखबारों में, चैनलों में मुख्य और प्रमुख पदों पर रहे अजय शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अजय जी आपका। वीरेंद्र सेंगर ने कम से कम 40 साल तक दिल्ली दरबार को कवर किया है, वहाँ के तमाम प्रधानमंत्रियों को देखा, संसद को देखा, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, तमाम बड़े राष्ट्रीय मीडिया में वीरेंद्र सेंगर जी रह चुके हैं। बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। महेंद्र सिंह इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक और सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर महेंद्र जी की तगड़ी पकड़ भी है। चर्चा आज मैं अजय जी से शुरू करना चाहता हूँ। अजय जी, आज मैंने समग्र रूप से उत्तर प्रदेश की विधानसभा का भी सत्र था और दिल्ली में सत्र चल ही रहा है, तो मुझे लगा कि लगभग दोनों जगह चक्रव्यूह विपक्ष ने रच दिया है। राहुल गांधी ये कह जरूर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की करोड़ों करोड़ आबादी, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा, वो महाभारत वाले चक्रव्यूह, कुरुक्षेत्र वाले चक्रव्यूह से तुलना आज 21वीं सदी के चक्रव्यूह से कर रहे हैं, वो भी उनका एक आक्रमण करने का अंदाज है। लेकिन आज मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के से लेकर संसद तक, एक तो जो मंडल वाला एजेंडा है उस पर विपक्ष कायम दिखा, और इसके साथ में जो जमीनी मुद्दे, जैसे बिजली का मुद्दा उठाया, और नए नए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने तार का मुद्दा उठाया कि भाई तार गल गल कर गिर रहे हैं, एक तो ये मसला है। दूसरा, जो चुनाव से पहले अखिलेश यादव कहा करते थे कि पीडीए में का मतलब अल्पसंख्यक के साथ साथ अगड़ा और महिला भी है आधी आबादी, तो उसमें माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष हो गए। तो दिल्ली से लखनऊ तक के चक्रव्यूह को किस तरह देखते हैं अजय जी आप? मैं एक लाइन में यदि कहना हो तो मैं ये कहूंगा कि आज का दिन प्रतिपक्ष का दिन था, दोनों सदनों में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें और चाहे हम बात करें हमारे देश की संसद जी। तो कमोबेश जो स्थितियां थी, और एक और बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली, जो महत्वपूर्ण मुद्दे चाहे उत्तर प्रदेश के हों और चाहे राष्ट्रीय स्तर के, वो दोनों मुद्दे आज सदन में गूंज रहे हैं जी। आप देखिए कि माता प्रसाद जी ने जिस तरीके से वहां पर मुद्दे उठाए, बिजली को, तार गिरने को, उससे होने वाली तमाम दुर्घटनाओं को लेकर, उसके अलावा और जो बाढ़ और दूसरी चीजों की जो समस्याएं जिस तरीके से चल रही हैं उनको लेकर के जिस तरह फोकस किया गया, निश्चित रूप से विपक्ष की है जिम्मेदारी है कि वो सत्ता पक्ष को इन सब चीजों के लिए सते। तो एक अच्छी चीज देखने को मिली, और ये आगे बढ़नी चाहिए, जनता के मुद्दों पर लड़ता हुआ विपक्ष दिखाई देना चाहिए, तो मुझे लगता है बेहतर रहता है। आज जैसे वो बेल में भी आए और सारी चीजें रही, ये संकेत देती हैं कि अब विपक्ष लड़ने को तैयार, एक चीज। दूसरी, यदि हम जाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उस स्थिति में लोकसभा आज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष खुद बोल रहे थे, और इस बार उन्होंने एक नई परंपरा के तहत किया कि जैसे नेता प्रतिपक्ष पहले बोलता है उसकी बजाय उन्होंने अभी सबको मौका दिया था, जूनियर से जूनियर लोगों को मौका दिया था जी, अब वो बोलने पहुंचे हैं, क्योंकि आखिरी में नेता सदन बोलेंगे और वो बताएंगे। एक बड़ी खास चीज देखने को मिलेगी कि सबसे जो बड़ी चीज मिल रही है सदन में इस बार, कि 22 तारीख से संसद सत्र शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री पहले दिन सदन के बाहर एक संबोधन दे करके चले गए, और उसके बाद अब तक प्रधानमंत्री सदन के अंदर, यदि विपक्ष की भाषा में कहें तो, आने की हिम्मत नहीं जुटा सके। और यदि इसको देखें, वास्तविकता भी है
कि तमाम, जबकि सदन जब चल रहा होता है उपस्थिति होते रहने चाहिए, लेकिन ये न होना इस बात का संकेत है कि विपक्ष इतना प्रबल है, जिस तरह से वो आक्रामक है मुद्दों को लेके, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं, पूरे विपक्ष ने जिस तरह से मुद्दे उठाए हैं वो बहुत अहम है। हर मुद्दा उठाया गया है, हर राज्य के लोगों को, हर एक को टास्क दिया गया, कौन किस पर बोलेगा, कौन क्या मुद्दा उठाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो सामंजस्य रहा है और देश के हर जगह का मुद्दा उठा, और अंत में जब नेता प्रतिपक्ष बोले तो उन्होंने बड़े आज साफगोई से, बड़े तीव्र ढंग से हर चीज पर हमला भी कर दिया और बचाव भी कर दिया। वो जैसे कहते हैं कि ठीक है आप कहते हैं तो उस लिस्ट से अदानी अंबानी का नाम हटा देते हैं जी, उनका नाम भी ले लिया और हटा भी दिया जी। इसी तरीके से जहां जहां पर वो आए तो उनके नहीं, इसके लिए मैं वो कर लेता हूँ, विड्रॉ कर लेता हूँ और इसको ये कर लेता हूँ, लेकिन बोल भी दिया जी। तो इस तरह उस मुद्दे पे जहां टारगेट होता है वो बने रहे। दूसरी एक बड़ी चीज ये थी कि उन्होंने नीट का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, वो सारे मुद्दे उठा दिए, असमानता का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, और यह दावा भी कर दिया, वायदा भी कर दिया कि हम इसी सदन में MSP को कानूनी गारंटी दिलाने का वो पास करेंगे। अब कब पास करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज उन्होंने ये बता दिया कि ये हमारी प्रायोरिटी है। और जातीय जनगणना भी है अजय जी, जातीय जनगणना के लिए भी उन्होंने कहा, जातीय जनगणना के लिए भी। चौथे स्तंभ को जो सही अर्थों में पिंजरे में ही डाल दिया गया है उसको लेकर भी उन्होंने कहा। और देखिए पहले बेचारे कहा, जब उस पर स्पीकर ने कमेंट किया तो उन्होंने कहा आप नान बेचारे ले लीजिए, मतलब बेचारे शब्द जोड़े रखा। तो ये उनकी जिस तरह हाजिर जवाबी थी, आज उसने पूरे सदन को ये बता दिया कि अब राहुल गांधी वाक पटुता के साथ में और मुद्दों को उठाते हैं। उन्होंने धर्म भी बता दिया, धर्म में वह नाम बता दिए दुर्गेश जी, जी जिन नामों को शायद हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, नहीं जानते थे नहीं जानते। कौन लोग हैं, मैं खुद नहीं, मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं धर्म पे ठीक ठाक ज्ञान रखता हूं, लेकिन मैं आज सच कह रहा हूं मैं खुद नहीं जानता था। और ये मैं राहुल गांधी के बोलने के बाद में मैंने उस पर रिसर्च किया और मैंने देखा उन्होंने सही बोला जी, तो जी। मेरे लिए ज्ञानवर्धक था आज, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा दोनों जगह जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात अजय जी ने कही, और उन्होंने कहा कि कुल मिला के जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहे भी सब कुछ दिया सदन को लेकर, लेकिन जो उन्होंने प्रतिबद्धताएं हैं, दो प्रतिबद्धताएं राहुल गांधी ने आज देश के सामने जता दी, वो भी सर्वोच्च पंचायत देश की संसद के अंदर, कि वो इसी सदन में राहुल गांधी ने चुनौती दी विपक्ष को भी और देश की जनता को विश्वास दिलाया, किसानों को विश्वास दिलाया, पिछड़े शोषित दलित लोग जो वर्ग हैं ओबीसी खास तौर पर, उनको विश्वास दिलाया कि अब आपकी जो जातीय जनगणना है, आपकी हिस्सेदारी भागीदारी है, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये सुनिश्चित करने के लिए इसी सदन में MSP और जातीय जनगणना का को पास करेंगे। कब पास करेंगे, अजय जी ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, तो क्या पास करेंगे कि पीछे भी कोई संकेत देना चाहते थे क्या राहुल गांधी? यूपी से लेकर दिल्ली तक लोकसभा और विधानसभा में जिस तरीके से विपक्ष ने चक्रव्यूह रच दिया है, सरकार को मुश्किलें हो रही हैं। ब्रेक से पहले दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण अजय जी ने कही, कि राहुल गांधी ने किस तरीके से प्रतिबद्धता जताई कि वो दो जो अहम मुद्दे हैं MSP का और जातीय जनगणना का, उसको इसी सदन में पास करेंगे। अब ये क्या संकेत है, कब पास करेंगे, ये बात अजय जी ने भी कही। और दूसरा, प्रधानमंत्री सदन से लगातार गैर हाजिर हैं, दूरी बनाए हुए हैं, ये बड़ा मसला है। बीरेंद्र सेंगर जी की तरफ रुख करेंगे। बीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री
पहले दिन आए सदन से बाहर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विपक्ष का सहयोग मांगा, कहा कि सारे दल के जो सांसद हैं देश के, वो एक साथ आकर देश के निर्माण में काम करें। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उनका गला घोट दिया, निर्वाचित और लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री का गला ढाई घंटे तक विपक्ष घोटता रहा। उन्होंने पिछले सदन, जो पहला सदन है 2024 के चुनाव के बाद, उसका जिक्र किया और कहा कि उनका गला ही घोट दिया, उन्हें बोले नहीं दिया ढाई घंटे तक, और उफ तक नहीं कर रहा विपक्ष, ये अपनी पीड़ा बताकर प्रधानमंत्री जी चले गए। अब अभी तक वो सदन में है नहीं। एक तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि सदन से, मतलब नरेंद्र मोदी जी ऐसा ही करते रहे हैं, ये भी कहा जाता है गुजरात में भी सदन में बहुत कम रहते थे, यहाँ भी, तो ये मैं पहली बार देख रहा था, मैं आश्चर्यचकित था कि देश का प्रधानमंत्री, सबसे ताकतवर नेता, कह रहा है कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर दिया गया, प्रधानमंत्री का गला घोट दिया गया। तो एक तो मेरा सवाल है कि क्या विपक्ष इतना ताकतवर हो गया, जैसा अजय जी कह रहे थे कि ताकतवर विपक्ष का सामना प्रधानमंत्री कब करते हैं ये देखना होगा। और दूसरा, जो ये बिल पास कर देंगे, राहुल गांधी ने कहा कि हम इसी सदन में पास करेंगे, इसमें क्या कोई संकेत आप देख पा रहे हैं क्या वीरेंद्र जी? ध्रुव जी, जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है कि वो सामना नहीं कर पा रहे सद का और वो बच रहे हैं लगातार, तो अब देख रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष और जो नेता विरोधी दल हैं राहुल गांधी, वो जिस तरह से आक्रामक हुए हैं और जिस तरह से एकदम से उनकी मैच्योरिटी सामने आई है और वाक्पटुता में वो कमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को भी हैरानी होती थी। हालांकि हम जानते थे कि राहुल गांधी कभी पप्पू नहीं थे, उन्होंने बहुत पैसे लगा के और एक बड़ी साजिश से वो किया हुआ था, लेकिन राहुल गांधी इतने हाजिर जवाब होंगे इसका अंदाज़ा हम लोगों को भी नहीं था। हालांकि मेरी राहुल गांधी से कई बार मीटिंग हुई, लंबी लंबी हुई, तो वो मुझे प्रभावित करते थे और मुझे लगता था कि इतना सिंसियर आदमी उसको कैसे ये बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी का जो नया रूप है उसको देख के और प्रधानमंत्री की जो महिमा है, प्रधानमंत्री का जो आकर्षण है, प्रधानमंत्री का जो ब्रांड वैल्यू है, वो इतनी घट गई है कि प्रधानमंत्री फेस नहीं कर पा रहा है उनको। आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखिए तो वो बोलते कड़क भाषा है, उनकी खराब भाषा जैसे होती है, मैं खुल के कह रहा हूँ कि वो खराब भाषा बोलते हैं और वही उनकी USP थी, वही इसीलिए उनको 56 इंच का कहा जाता है, दबंग कहा जाता है जी। और तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री कि जो पॉकुलार्ट है उसलिए वो फेस नहीं कर पा रहे हैं। और राहुल गांधी ने आज जिस तरह से हाजिर जवाबी दिया और जिस तरह से जो उन्होंने एक बहुत ही जो स्टेट्समैन एक की तरह जो है उन्होंने बात की, उसने पूरे पूरे हाउस का दिल जीत लिया। यहाँ तक कि BJP के लोगों से मेरी कुछ बात हुई, सांसदों से, वो कह रहे थे कि उनको उन लोगों को हैरानी हुई है, बिल्कुल वो आज छा गए और मुश्किल ये हो रही है। और राहुल गांधी बहुत होशियारी से केवल जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं, वो खाली जो वंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनकी दिक्कतें, बेरोजगारी की दिक्कतें, वो बार बार उठा रहे हैं। आज चक्रव्यूह का उदाहरण दे के उन्होंने ऐसा जुबानी चक्रव्यूह फैलाया कि BJP के लोग एकदम से हैरान रह गए और सब ने माना कि उनका लगातार जो है भाषण बहुत प्रभावशाली हो रहा है और सीधे निशाने पर हो रहा है, तो इससे दिक्कतें बढ़ रही हैं। उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के बारे में जिस तरह से कहा कि उन्होंने झूठ बोला, अब ये पहली बार ये हो रहा है कि सेना सफाई में उतरती है, सेना कभी सफाई में नहीं उतरती थी जी। तो पहली बार ये हो रहा है कि सेना को लगाया जा रहा है बेंच पे। मुझे लग रहा है कि विपक्ष और जो नेता प्रतिपक्ष है वो बहुत भारी पड़ रहे हैं सरकार पर। हालांकि प्रधानमंत्री दावा करते थे कि वो एक अकेला सब पर भारी जी, जी, उल्टा जी, हुआ जी जी। बीरेन जी, एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी उन्होंने जैसा अभी अजय जी ने भी जिक्र किया और हमने वो बयान भी राहुल गांधी का लोकसभा में सुनाया, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि भाई ये पत्रकार पिंजरे में बंद हैं, इनको आज़ाद कर दीजिए, वो पत्रकारों से भी मिले थे राहुल गांधी। तो अब लग रहा है कि राहुल गांधी जो आप कह रहे हैं ना, मैच्योर और होते जा रहे हैं दिनों दिन, या वो थे ही मैच्योर, अब उनका रूप ये सामने आ रहा है। लेकिन
उन्होंने पत्रकारों की भी हिमायत की, वकालत की, और बेचारे जब कहा, उस पर एतराज़ जताया, तो उन्होंने कहा नान बेचारे। तो इसको लेकर क्या आप सोचते हैं रुकेश जी? देखिए, वो बहुत होशियारी से बहुत तंज कर रहे हैं। उन्होंने जब उनको बेचारे कहा और पिंजरा कहा, तो ये बता दिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, कि भैया आपने जो जिनको बांध रखा है उन पर भी विश्वास नहीं कर रहे, उनको पिंजरे पर रख दिया और उनकी पीड़ा भी उन्होंने देख ली। और वो मेरे तो कुछ उन पत्रकारों से बात हुई जो बिल्कुल घोर, मतलब जो है सरकार की वफादारी में लगे हुए हैं और बदनाम भी हैं। उन्होंने कहा कि आज वाकई में राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा, उनका दिल जीत लिया। ये अलग बात है कि चैनल में प्रबंधन की का अंकुश है, तो वो दिल की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन कह रहे थे कि हम लोगों का भी दिल जीत लिया। ऐसे दो तीन चर्चित एंकर हैं, उनसे मेरी बात हुई, जो कुख्यात हैं, वो मैं सीधे कह रहा हूँ, हालांकि कभी वो मेरे साथ रहे। विख्यात हैं सर, विख्यात हैं। कुख्यात जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें सर। विख्यात हैं आप, आपने कुख्यात कह दिया। ये तो केवल नजरिए की बात है, हम तो केवल जनता के नजरिए से देखते हैं, हमारा कोई नजरिया नहीं है। मैं एक खांटी पत्रकार हूँ, और जो भी सत्ता में आता है उससे हम सवाल पूछेंगे। कल राहुल गांधी आएंगे तो उनसे और कड़े सवाल पूछेंगे, और पूछते रहे पूरी, हमने पत्रकारिता की 40 साल की इसमें कांग्रेस के खिलाफ ही पूछते रहे और करते रहे। तब ये लोग कहते थे कि भाई, कांग्रेस वाले भी कहते थे कि शायद ये तो कुछ बीजेपी से इन्फ्लुएंस है, तो मुझे परवाह नहीं होती। मुझे लगता है कि जब इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, मुझे लगता है कि हम सही पत्रकारिता कर रहे हैं और हमारी दिशा सही जा रही है। जी दुर्गा जी, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात वीरेंद्र सिंगर जी ने कहा। प्रोफेसर एमएल वर्मा साहब, ये जो आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं दोनों सदनों को लेकर चल रहा हूँ। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत मज़ा मुझे भी आ रहा है, बहुत दिनों के बाद आज बहुत मज़ा आ रहा है। चर्चा तो मैं करता हूँ, लेकिन आज अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज अपडेट करना चाह रहा हूँ, प्लीज 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 दर्शकों को प्लीज, कि राहुल गांधी के पिंजरे से मुक्त करने के पत्रकारों के जो है उसका असर ये हुआ कि लोकसभा ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है और उन्हें पिंजरे से मुक्त कर दिया। चलिए, वास्तव में ये अभी 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 ये आपने भी ताजा अपडेट किया दर्शकों को कि भाई वो एक उनको एक एक सीमित दायरे में घेर दिया गया था लोकसभा में, कि पत्रकार इतने ही दायरे में रहेंगे, लेकिन वो अब अभी अजय जी बता रहे हैं दर्शकों, आप भी अपडेट हो जाइए, कि वो आदेश वापस ले लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की ताकत कितनी बड़ी है और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है। अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था, जब राहुल गांधी सुल्तानपुर गए थे, तो वहाँ पर जो उनकी बयान वगैरह था कोर्ट में, अमित शाह के खिलाफ उन्होंने कोई बयान दिया था, उस पर उनके उन पर जो सुनवाई चल रही है, उसके बाद वो एक कार्यक्रम में, एक छोटा सा कार्यक्रम था वहाँ पर, वो लोको पायलट से मिले, जो जिन्हें हम लोग ट्रेन ड्राइवर कहते हैं, तो लोको पायलट ने उनका धन्यवाद कहा और कहा कि आपने कम से कम मुझे लोको पायलट कहा और मेरा मुद्दा उठाया, तो मुझे लोगों ने अब ड्राइवर कहना बंद कर दिया, अब सारे लोग लोको पायलट ही कह रहे हैं, तो इसी से हम बड़ा अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो आपने कहा, मुद्दा उठाया, उसके बाद अब हम लोग जहाँ आराम करते हैं, तो जो जो लोको इंस्पेक्टर होते हैं, अब वो दिन में 3-4 बार आते हैं कि आपका एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपको कोई दिक्कत है तो नहीं है, तो मुझे तो कह रहे हैं हम लोग तो इतने में ही प्रसन्न हो गए हैं, बाकी कमेटी वमेटी जाँच चल रही है। तो इस तरह की चीज़ें वास्तव में कहीं ना कहीं असर डालती हैं अगर काम किया जाए। अभी जो राहुल गांधी का जिक्र किया अजय जी ने, मैं प्रोफेसर वर्मा आपके पास आ रहा हूँ। राहुल गांधी को सुल्तानपुर यात्रा के दौरान एक जूता गाँटने वाले एक अति शोषित दलित महादलित वर्ग से आने वाले रामचेत जी का जो मसला था, तो उन्होंने उसमें कोई ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारे लिए हम सपने बहुत बड़े सजाए नहीं। राहुल गांधी ने उनसे एक फीडबैक लिया कि आपका जीवन स्तर कैसे सुधर सकता है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा एक मशीन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ रॉ मटेरियल के पैसे हैं, बैंक से लोन नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें बताई, तो एक साथ बहुत सारे मुद्दे उठकर सामने आए। और वो कोई वादा भी कर उनको नहीं गए थे, लेकिन अगले दिन मशीन भी आ गई, कुछ राहत भी मिल गई, उसका डिस्क्लोजर अभी नहीं हुआ है। तो सदन में जिस तरीके से वो बातें करते हैं, पिछड़ों दलितों शोषितों की बात, और सड़क पर जिस तरीके से वो कर रहे हैं, नेता हैं, राजनीति तो करेंगे, माला जपने के लिए नहीं करते हैं नेता, लेकिन फिर भी हम इसको इस दृष्टिकोण से क्या देख सकते हैं कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक कांग्रेस पार्टी,
राहुल गांधी खासतौर पर एक नए किरदार में नजर आ रहे हैं? एक तो मेरा ये पहला प्रश्न है। दूसरा, जिस पीडीए की बात करके आज केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधा और कहा कि शिवपाल जी और पीडीए के लोग बड़े निराश हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष पीडीए का नहीं बना। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा था कि पीडीए का मतलब केवल अल्पसंख्यक, ए का मतलब अल्पसंख्यक नहीं है, अगड़ा भी है और आधी आबादी भी है। तो माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक ब्राह्मण को क्या ये राजनीतिक फायदा इसमें ज्यादा नजर आ रहा है क्या अखिलेश यादव को? प्रोफेसर वर्मा, देखिए दुर्गेन जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब भी हम आपके सामने होते हैं या मीडिया के सामने होते हैं तो मैं कभी भी किसी पूर्वाग्रह से बात नहीं करता, जो फैक्ट होता है उसकी बात करता हूं। जी, आपने प्रश्न किया कि पीडीए की बात अखिलेश जी ने की थी और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी को बनाया। मैं ये कहता हूं कि किसी भी स्थिति आप जिम्मेदारी किसी को देंगे अगर, तो उसको देंगे कि जिसके पास में अनुभव हो, जिसके पास योग्यता हो, जो बेटर ढंग से कर सके। माता प्रसाद पांडे जी दो बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रहे और कई बार से वो एमएलए रहे। अखिलेश जी को ये लगा वहां पर उनके सामने खाली पीडीए या जात की बात नहीं थी, अखिलेश जी को ये लगा कि वास्तव में ये नेता प्रतिपक्ष के रूप में और बेहतर ढंग से ये हमारे लोगों की बात उठा सकते हैं, हमारी भावनाओं को वहां प्रेजेंट कर देंगे, तो इसलिए उनको बनाया। आपने एक शब्द की अभी चर्चा की थी, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट की बात की। तो जो आपका पहला प्रश्न था राहुल गांधी के संदर्भ, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जान लीजिए कि आज के 10 साल पहले की स्थिति में राहुल गांधी के और वर्तमान की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जी, राहुल गांधी बहुत पॉलिटिकली मैच्योर हो गए हैं और उन्होंने जो यात्राएं की, दुनिया देखा, समाज को देखा, भारत को देखा, और उन सब को देखने के बाद में वह वास्तव में जमीन से जुड़ चुके हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं और उस दर्द दुख दर्द के हिसाब से बात करते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि एक वो नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ है और एक वो व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से, अगर आप ये कहिए कि 10 साल से प्राइम मिनिस्टर थे, इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे, और वो समाज से नहीं जुड़े रहे तो उस दर्द दुख दर्द को नहीं देख पाए। तो ऐसी स्थिति में जहां पर आप एक सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक संख्या की बात करते हैं, कहां पर कौन लोग कितने किस खराब स्थिति में है, किस अच्छी स्थिति में है, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है, आप एसी के कमरे में बैठ करके इसके बाद में खाली कल्पना करिए और कल्पना करने के हिसाब से आप हर चीज बनाइए, तो वो मेरे ख्याल से उतना प्रैक्टिकल नहीं होगा। जी, जैसे कि आप बजट की भी बात करते हैं तो बजट में भी खाली एसी में बैठ करके अगर बजट बनाया जाए तो शायद उतना प्रैक्टिकल नहीं होगा जितना कि भौतिक रूप में आप किसी चीज को देखें और समझें और इसके बाद में किसी काम को करें। एक छोटे से मकान को बनाने के लिए इंजीनियर भी भौतिक रूप में जाता है और उसको देखता है और उसकी सारी स्थिति को समझता है, इसके बाद में उसको बनाता है। जी, तो ये उसी तरह से चाहे छोटा सा मकान हो, चाहे देश हो, चाहे समाज, सबको बनाने के लिए जो इकाइयां होती, सभी इकाइयों को समझने की जरूरत है, कौन सी इकाई किस पोजिशन में है, किस सिचुएशन में है, किस इकाई को हमें सुदृढ़ करना है, कौन सी इकाई सुदृढ़ है, और उन सभी चीजों को बिना देखे हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक 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 मेरे मन में और पहले से था जिसकी मैं चर्चा करना चाहता था जी, और वो आपके प्रश्न में नहीं है, अगर आप बोलिए बोलिए कृपया कृपया जरूर बोलिए जरूर बोलिए प्लीज। एक तो ये था कि जो इस समय सेशन चल रहा है, लोकसभा का सेशन चल रहा है जिसमें माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लोगों ने चर्चा किया जी, मुझे जहां तक अवधारणात्मक रूप से एक धारणा ये कहती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो अभिभाषण होता है वो एक देश की परिकल्पना के संदर्भ में होता है कि किस तरह का देश है और किस तरह का हमें देश बनाना है। इसलिए पहले वो एक क्योंकि वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जी, इसलिए उस परिकल्पना को लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं और इसके बाद में ही वो सत्ता पक्ष से या विपक्ष से वो उस तरह के उस
उस बात को चर्चा करके कि कौन सा क्या चीज बेटर होगी जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके, उस पर परिचर्चा होती है। लेकिन हमने देखा जो व्यवहारिक रूप में जब अभिभाषण होता है तो केवल सत्ता पक्ष का वो एक मसौदा पढ़ा जाता है, गुणगान जो गुणगान सत्ता कह लीजिए शुद्ध भाषा में, शुद्ध भाषा में जो बना करके दे दिया वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ने पढ़ दिया, जिसके कारण से जो जो प्रतिपक्ष होता है वो विरोध करता है और प्रतिपक्ष वो अपनी बातें रखता है कि वास्तव में जो नेता जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा वो ये चीजें नहीं है या वो चीजें सही नहीं, जिसके कारण से विरोध होता है। तो मैं समझता हूँ कॉन्सेप्चुअली वहीं से गड़बड़ हो जाता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों सदनों को संबोधित करता है, लेकिन जो मेन धारणा होती है वो धारणा को भूल जाता है और सत्ता पक्ष को लेकर के उन्हीं की बात को प्रस्तुत करता है, पहली चीज। दूसरी बात, सदन में ये निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि अगर प्रतिपक्ष किसी चीज का विरोध करता है तो विरोध का कुछ कारण है या कि बिना कारण करता है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कारण है। तो मैं समझता हूँ सत्ता पक्ष ठीक को बात और है। प्रतिपक्ष को दोनों को जो बेटर है वो लाना चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी दुर्गेन जी, जिसको सुन लीजिए और आप याद रखिएगा, जो हमारे साथी हैं वो लोग भी सुन लें। मैंने प्रधानमंत्री जी का भी भाषण सुना, मैंने राहुल जी का भी भाषण सुना, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं प्रिजिस होकर के नहीं बोलता हूँ। इस पूरे भाषण में प्रधानमंत्री जी ने 107 बार 2014 से पहले, 2014 से पहले शब्द का प्रयोग किया है, 107 बार, 107 टाइम्स 2014 से पहले। वर्तमान की बात न करके 2014 से बात करेंगे तो हम वर्तमान के लिए क्या करेंगे? ये वर्तमान का बजट है या 2014 से पहले का? ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। महेंद्र सिंह आपके पास आ रहा हूँ। एक तो प्रोफेसर वर्मा ने जो बात कही कि भाई विपक्ष इसलिए विरोध करता है कि भाई उसकी आप सुनते नहीं हो, उसमें वो विपक्ष अपनी तस्वीर देखता नहीं है। राहुल गांधी भी आप इस बात को कह रहे थे कि भाई आप मेरा सहयोग करो, सदन में उन्होंने कहा कि आप मेरा सहयोग करोगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, आप मेरा सहयोग नहीं करोगे तो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। अब अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से ये मसला एक अलग तरीके की राजनीति की तरफ बढ़ रहा है और एक सामाजिक न्याय का एक जो पूरा पक्ष है वो विपक्ष एक तरीके सामाजिक न्याय के साथ में खड़ा नजर आता है, और हिंदुत्व का जो अचूक हथियार था भारतीय जनता पार्टी का, उसको वो कुंद करने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा, और पिछले लोकसभा चुनाव में कहीं हद तक वो सफल भी हुआ है, इसीलिए वो लगातार वो कर रहा है कुंद करने की। और वो जो अखिलेश का ए था, पिछली बार भी हमें अच्छी तरह याद, उन्होंने कहा था ए में अगड़ा भी है, तो एक ब्राह्मण ला के उन्होंने उत्तर प्रदेश में बैठा दिया। अब नमाता प्रसाद पांडे बड़े अनुभवी हैं, दो बार विधानसभा अध्यक्ष है, मिनिस्टर रहे, 7 बार मिले रहे, और आज जो वो बोल रहे थे तो उनकी बातों में अनुभव दिख रहा था, वो कह रहे थे तार पिघल रहे हैं। आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि आपने एक जिले में 2.25 अरब रुपए खर्च कर दिए, वहां तार पिघले जा रहे हैं, और कह रहे मंत्री जी मुझे नहीं ढूंढे मिल रहे हैं। तो मंत्री जी के पास इसके अलावा जवाब ही नहीं था कि अखिलेश की सरकार में बिजली खराब थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं वो बता पाए। तो क्या विपक्ष एक मोर्चे पर वो मंडल को साधे हुए है और दूसरे मोर्चे पर नीचे के मुद्दों को भी उठा रहा, जिससे लोग त्रस्त हैं, बिजली, पानी, आरक्षण, अग्निवीर, नीट, इसे किस तरह देख रहे हैं महेंद्र जी? जी दुर्गेन जी, बिल्कुल, आज जो मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने वो आने वाली जो सियासत है कम से कम 3 दशक की मान के चलिए, जब लक्ष्य रखा जा रहा विकसित भारत की, और विकसित भारत अचीव तभी होगा जो आज इन मुद्दों पर बताया है, और हर एक राजनीतिक दल को ये मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। उसमें आप ये देखिए कि जो सोशल जस्टिस का मुद्दा है कोर इशू है जी, सोशल जस्टिस में किसान भी आता है, अगड़ा भी है जो गरीब है। जब सोशल जस्टिस की कोई बात करता है इसका मतलब ये नहीं वो अगड़ों के विरोधी है, बात ही नहीं है, बात यह है कि जिनको नहीं मिला है, जिनको संसाधनों में भागीदारी नहीं मिली है, उनके हितों की बात कोई करेगा कि नहीं करेगा। और ये मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स अभी तक जो चली आ रही उसमें स्ट्रेटजिक शिफ्ट किया है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, और अभी अंतर्द्वंद्व है पार्टी के अंदर भी, जो पुराने नेता हैं वो इन चीजों को इतनी मतलब जो राहुल गांधी की जो सोच है, जो स्ट्रेटजिक शिफ्ट की कि नए लोगों को लाओ और इन नए मुद्दों को उठाओ, आत्मसात करो, क्योंकि अगर आप उन्हीं मुद्दों को लेते रहेंगे तो आप आने वाले 20 साल और सत्ता में नहीं आएंगे।
ये इसलिए स्ट्रेटजिक शिफ्ट है क्योंकि बात वो युवाओं की कर रहे हैं। आप देखिए बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और जॉब जो है सरकारी जॉब तो बहुत कम मिल रहे हैं, आने वाली सरकारें भी सरकारी जॉब कम देंगी, लेकिन 5,000 की जो जॉब है वो भी नहीं चाहिए कोई, अगर रोजगार है या इंटर्नशिप। हाँ, और 5,000 वाली इंटर्नशिप पर भी राहुल गांधी ने आक्रमण किया कि आप कैसे करोगे, ये अब छलावा है, आज आक्रमण किया इस पर भी। बिल्कुल 5,000 कोई मतलब, मिनिमम वेजेस जो है उससे भी कम है ये 5,000 को, तो आप वो एक जो लेबर के लिए मिनिमम वेजेस हैं अलग अलग राज्यों में उससे भी कम है, तो इंटर्नशिप का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात उन्होंने किसानों की कही, तीसरी बात उन्होंने एमएसएमई की बात कही, जो उन्होंने कहा चक्रव्यूह में जो लोग फंसे हुए हैं, चौथी बात उन्होंने महिलाओं की कही, तो ये जो बातें उठाई उन्होंने वो बहुत मायने रखती है और हर एक दल को इन पर राजनीति करनी पड़ेगी। अब उस राजनीति से जो आप एक राजनीति अगर कमंडल की करने की बात करते हैं, कमंडल की राजनीति से विकसित भारत नहीं बनेगा, और अब ये जो मुद्दे हैं इन मुद्दों को अगर कोई राजनीतिक दल बात नहीं करेगा तो वो सत्ता में नहीं रह पाएगा। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी ये है जो आपने एक अपने संबोधन में कहा कि इसी सेशन में पास कराने का वादा किया, दरअसल उसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी ये है कि इतना मजबूर कर दो एलाइज को उन्हीं के मुद्दे, जो एलाइज है आप देखिए नीतीश कुमार की पार्टी उससे क्या मुद्दे हैं, सोशल जस्टिस की बात करते रहे हैं, वो बात मंडल की करते रहे, वो बात युवाओं की करते रहे, वो उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है सोशल जस्टिस की, उन पार्टियों से निकले हुए ये लोग हैं, तो ये लोग अगर इनको इतना मजबूर कर दो, आज डिफेंस नहीं मिल रहा उनको, वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे राहुल गांधी की बातों को कि जो बातें उठाई और आप बीजेपी के साथ में अलाइनमेंट में है तो आप जाति जनगणना की बात क्यों नहीं करते जबकि आपने अपने स्टेट में कराया हुआ है, तो वो अब इतना मजबूर कर दो कि वो लोग जब विपक्ष मुद्दा उठाए तो आपके पास जवाब देने लायक स्थिति में ना रहें। तो ये हो सकता है कि जब तमाम ऐसे मुद्दे जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, वो चाहे युवाओं के मुद्दे हों, चाहे महिलाओं के मुद्दे हों, चाहे भागीदारी के मुद्दे हों, इन पर जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो सरकार के साथ भी दल हैं उनको भी मजबूर करना, या तो आप सरकार के अंदर इन मुद्दों को उठाओ या फिर आप इस सरकार को छोड़ो, तो कई फ्रंट पे राहुल गांधी एक साथ वार कर रहे हैं। हालांकि उनको अभी अपनी पार्टी विद इन पार्टी अभी उनको बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर पार्टी के अंदर वो सोशल जस्टिस नहीं ला पाएंगे तो बाहर वो चाहे जितना कहते रहे सोशल जस्टिस नहीं ला पाएंगे, बड़ी बात है, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, ट्रस्ट डेफिसिट बना रहेगा। कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ा सत्ता से बाहर जाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि वो युवाओं को भूल गई थी, वो किसानों को भूल गई थी, वो सोशल जस्टिस को भूल गई थी, तमाम समय में तो सोशल जस्टिस के खिलाफ ही ये पार्टी खड़ी रही है। आज अगर शिफ्ट होके आ रही तो स्वागत किया जाना चाहिए कि कोई एक दल नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को उठा रहा है, और कभी भी कोई भी देश तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक वहां पर सभी की अच्छी भागीदारी हो, हर एक तरफ जीडीपी आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम अगर नहीं बढ़ेगी क्या डेवलप्ड नेशन के आप परिभाषा देंगे, तो निश्चित तौर पर हर जगह काम करने की जरूरत है। जिस दुकान पे वो जाके वहां पर रुके एक मोची जो अंतिम पायदान पे खड़ा आदमी है कौन लेता है सुध? नहीं, अभी भी आप देखिए सीवर की सफाई के लिए मैनुअल होता है, ये एक सोचने वाली, अगर वो उस बिरादरी से नहीं हो जो सीवर की सफाई करते हैं तो कब तक मशीन कब मशीनें आ चुकी होती, मशीनों से सफाई हो रही होती, लेकिन उस समाज की बात करने वाला कोई नहीं है और जो नेता है वो बात कर नहीं रहे उस समाज से आए हुए नेता। बहुत छोटा सा इशू है लेकिन बहुत बड़ा सामाजिक इशू है, ठीक बात है। आज भी तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, राहुल गांधी वो शायद उस ट्रैक पर जा रहे हैं और अगर उस ट्रैक पर वो अपनी पार्टी को शिफ्ट कर पाएंगे तो ये आप यकीन मानिए आने वाले समय में हम लोग जो 3 दशक का टारगेट है विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक बात है। अजय जी, महेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को अपने अंदर भी अब झांकना होगा सोशल जस्टिस के लिए, उसको भी बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे, एक तो ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी, एम एल वर्मा साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इससे पहले लगातार वो मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, जाहिर सी बात है मसरूफियत होती है, इतना ज़्यादा व्यक्ति बिजी हो जाता है कि वो जाहिर सी बात है कि रास्ते में चलने वाले मोची के पास तो नहीं जा पाएगा,
लोको पायलट का क्या हाल, वो नहीं जा पाएगा, तो क्या इसका भी असर पड़ता है क्या, या ये मुश्किल है भाजपा के सामने? अजय जी देखिए दुर्गेश जी, मैं इस चीज को एक एक घटना से वो करूंगा। राहुल गांधी भले ही प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन राहुल गांधी जन्म से प्रिविलेज्ड, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं जी, ये हर कोई हमारे सारे साथी मानेंगे। और वो प्रिविलेज्ड ही नहीं थे, हाई प्रिविलेज्ड, हाई सिक्योर। और जो व्यक्ति हाई सिक्योर रहा हो, जिसके परिवार को हिंदुस्तान के अंदर यदि किसी राजनीतिक परिवार को सबसे ज्यादा खतरा रहा है, तो गांधी परिवार रहा है जी। इसमें भी कोई, मुझे लगता है हमारा कोई साथी इस पे इनकार नहीं करेगा जी जी जी, सहमत तो है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से राहुल गांधी का उस समय जब सत्ता में थी कांग्रेस, तब भी किसानों के लिए भट्टा पारसौल हो या कहीं जाना हो रहा है। बहरहाल मैं एक चीज का दिखाना भी चाहूंगा जी। ये अमर उजाला अखबार है जी, और मैं उन दिनों इस अखबार का पंजाब हरियाणा का स्टेट चीफ था जी। और उस दौरान दो, ये 22 सितंबर 2008 को मैंने इंटरव्यू किया था राहुल गांधी का जी। हेडलाइन थी जी। वो मेरी दोस्त थी, अब जनता है हम सफल, क्या बात है। और इसमें उन्होंने तब, जब सारे चैनल सब चला रहे थे उस समय कि राहुल गांधी जल्दी शादी करेंगे, मैं पहला व्यक्ति था जिसने लिखा था राहुल गांधी शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं, देश की उम्मीदों पर खरा उतरना प्राथमिकता जी। दूसरा था खेती के लिए किसानों को नहीं मिलती पर्याप्त बिजली और पानी जी। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है जिसपे मैं वर्मा साहब का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा जी, उन्होंने कहा था किसान, दलित, पिछड़े, युवा सभी परेशान है, उन्हीं की सरकार थी जी, सभी परेशान है। और यही हालत न सिर्फ गैर कांग्रेसी सरकारों में बल्कि कांग्रेस सरकारों में भी है जी। और हम इसके लिए चिंतित ही नहीं, कुछ करना चाहते हैं, नतीजे आने में टाइम लगता है। फिर राजीव जी का उदाहरण उन्होंने दिया था कि आईटी इंडस्ट्री और दूसरी आई जो आज सबसे ज्यादा रोजगार दे रही है, तो राहुल गांधी उन महिलाओं के और वो सारे मुद्दे जिसको आज वो उठा रहे हैं, मैंने इस अखबार में 2008 में लिखा था, 2008 सितंबर। बहुत लंबा वक्फा बीत गया है, बहुत लंबा वक्फा बीत गया है। और जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, लोग सोचते हैं ये आप देखिए, उसी के पेज नंबर 2 पे था, उसी का कंटिन्यू से, असलियत से रूबरू होने का प्रयास है राहुल का दौरा जी। तब भी उनकी इच्छा थी कि हम इसी तरह दौरा करें और लोगों से जमीनी तौर पे जुड़े, उनकी समस्याओं को समझें और उसे दूर करें जी। लेकिन एसपी और दूसरी तमाम बाध्यताओं के चलते, और जो महेंद्र ने कहा मैं उससे सहमत हूं कि उन्हीं की पार्टी के लोगों को इससे तकलीफ हो गई और उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे यदि इस पर काम हुआ तो उनकी राजनीति पिछड़ जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी तब भी केंद्रित थे कि हमें पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, इनको आगे लेके आना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अजय जी, माफी के साथ में रोक रहा हूँ, अब चूंकि वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वर्मा, वीरेंद्र सेंगर साहब, महेंद्र सिंह, बहुत धन्यवाद अजय जी। अजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि 2008 में उन्होंने राहुल गांधी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि वो दोस्त थी, जनता हम सफ़र है, तो अब वो दिख रहा है कि जनता हम सफ़र है। लेकिन वो अपनी सरकार में भी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार ही, तब भी वो इसी तरीके से सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, आज भी वो कर रहे हैं। क्या सत्ताधारी दल के नेता कोई ऐसा कर पाएगा, जनता जाने। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।